हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सेंसोडाइन का रिव्यू। हम सभी बचपन से रोजाना सुबह उठकर ब्रश करते हैं दांतों को मजबूत और साफ बनाए रखने के लिए। आदत हमें बचपन से डाली जाती है ताकि बढ़ती उम्र के साथ हमारे दांतों में मजबूती बनी रहे और हमारे दांत साफ बने रहे। लेकिन ब्रश करने के बाद भी हम कई बार दांतों की परेशानियों से जूझते हैं, जैसे कि सेंसिटिविटी यानी कि दांतों में ठंडा तीखा गर्म ठंडा लगना, मीठा लगना, या फिर गम ब्लीडिंग भी हमें कई बार होने लगती है, तो जिसे हम पायरिया भी कहते हैं। तो हमें हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। ये सब परेशानियां हमें बढ़ती उम्र के साथ होने लगती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सेंसोडाइन कैसे काम करता है और कितना काम करता है, और अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसका प्राइस भी मैं आपको बताऊंगी। एक मोटी भाषा में मैं छोटा सा डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ। ये देखिए, ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है। इस तरह से ये हमारी तीन लेयर होती हैं टीथ के अंदर, दांतों के अंदर तीन लेयर होती हैं। पहला होता है एनामल, दूसरा होता है डेंटाइन एंड तीसरा होता है बल्ब का। तो सेंसोडाइन का काम होता है, ये जो हमारा बाहर की जो लेयर होती है ये क्रैक होने लगती है, टूट जाती है, किसी भी तरह से जो होता है ये डैमेज हो जाती है हमारी बाहर की जो ये लेयर होती है। तो उसकी वजह से हमें ठंडा तीखा या मीठा हमारे दांतों में लगने लगता है। ये वाली रिपेयर जैसे कईयों की टूट जाती है, इतना मुझे डीप नॉलेज नहीं है, पर बाकी ये है कि इनेमल आप टीवी में भी कई बार सुनते हैं। तो इनेमल जो होता है ये हमारा टूटने लगता है, जिसकी वजह से हमें दांतों में ठंडा तीखा मीठा या किसी भी प्रकार से लगने लगता है। तो ये इनेमल जो होता है हमारा क्रैक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये परेशानियां महसूस होने लगती है। तो सेंसोडाइन का काम होता है आपके इनेमल को रिपेयर करना। तो हाँ, ये मेरे यूज करने के बाद मुझे पर्सनल फील हुआ कि इसने कि मुझे रिलीफ जरूर किया, क्योंकि मेरे दांतों में दो तीन महीने से परेशानी मुझे आने लगी थी, तो उसको इसने रिपेयर जरूर किया है। थोड़ा टाइम जरूर लेता है कि मेरे सेकंड ट्यूब है तो थोड़ा टाइम जरूर लेता है कि जैसे कि 10 से 12 डेज के बाद मुझे फील हुआ कि हाँ, मुझे अब ठंडा और मीठा दांतों में लगना अब बंद हो गया है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप, अगर आपको दांतों में ठंडा और तीखा लगता है, तो आप इस टूथपेस्ट को जरूर ट्राई कर सकते हैं। अच्छा टूथपेस्ट है। और बात करें इसके प्राइस की, तो ये नेट 80 ग्राम्स का है और 160 का है। ये देखिए 160 का है, ये इधर 80 ग्राम्स का है और 160 का है। इससे पहले छोटा पेस्ट, ग्राम्स मुझे आइडिया नहीं कितने ग्राम का था, पर 99 में स्टार्ट होता है। पहले एक छोटा 40 ग्राम का समथिंग आया करता था, वो अभी आना बंद हो गया है। अब सबसे छोटा मेरे ख्याल से 99 का मैं लेके आई थी पहले, तो 99 का है। थोड़ा सा नॉर्मल जो पेस्ट होते हैं उनसे थोड़ा सा कॉस्टली है, पर हाँ ये है कि आपके दांतों की जो समस्या होती है उनको जरूर रिपेयर करता है। हाँ ये है कि आपके दांतों में बहुत ज्यादा असर जल्दी नहीं कहते कि हाँ, पर 10 से 15 डेज जरूर ये पेस्ट ले लेता है आपके इनेमल को रिपेयर करने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि इसमें लिखा भी हुआ है क्लिनिकली प्रूवन। तो ये एक डॉक्टर्स के द्वारा रिकमेंडेड टूथपेस्ट है। तो हाँ, अच्छा टूथपेस्ट है, आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं और आपके दांतों में जो ठंडा खट्टा तीखा लगता है उसको जरूर रिपेयर करेगा। तो मैं चाहूंगी कि आप इसे जरूर यूज करें और मुझे जरूर बताएं कि यूज करने के बाद अपना एक्सपीरियंस भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी आपको। थैंक यू।